बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी मेरा टॉपिक है डेवऑप्स टूल्स। इससे पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि डेवऑप्स है क्या। डेवऑप्स बेसिकली डेवलपर्स और ऑपरेटर्स की कंबाइंड टीम है जो कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आई थी जो कि हमारे पास पिछले सॉफ्टवेयर डिलीवरी के मॉडल्स थे, जैसे कि एजाइल मॉडल्स और वाटरफॉल मॉडल में थे। उनमें ये मसला था जो एजाइल मॉडल में कि हमारे पास जब एक कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाता था, डेवलपर्स एक कंप्लीट प्रोडक्ट बना के उसे अपने डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट में टेस्ट करने के बाद ऑपरेटर्स को दे देते थे, और ऑपरेटर्स ने उनको डिप्लॉय करना होता था प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, उनको सर्वर्स पर डिप्लॉय करना होता था। तो चूंकि वो सॉफ्टवेयर जो है, वो प्रोडक्ट जो थी, वो हमारे पास प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे टेस्ट नहीं हुई होती थी, तो जब वो उसे टेस्ट कर डिप्लॉय करने की कोशिश कर देते थे तो उनके पास कुछ मसले मसाइल आ जाते थे, जैसे कि डिपेंडेंसीज के इश्यूज आ जाते थे, कुछ हमारे पास कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आ जाते थे। तो ऑपरेटर्स को क्योंकि नहीं पता होता था इस चीज़ का कि ये प्रोडक्ट कैसे बिल्ड की जाती है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता था जो कि इस पूरे एक प्रोसेस को डिले बहुत ज़्यादा डिले कर देता था। बाज़ अवक़ात उस पूरे प्रोडक्ट को दोबारा बिल्ड करना पड़ता था एक छोटे से मसले की वजह से। उसकी सबसे मेन वजह यही थी कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स थे और डेवलपर्स थे, उनके दरमियान कोलेबोरेशन नहीं था, और उनकी अलग अलग टीम होती थी और अलग अलग वर्क करते थे। जो ऑपरेटर्स को मसले मसाइल पेश आते थे, वो सिर्फ उनको तब पता चलता था जब वो उसे डिप्लॉय करने लगते थे, उससे पहले उसको टेस्ट नहीं था किया जाता प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे। उस मसले को हल करने के लिए एक टीम बनाई गई है डिवेलपर्स और ऑपरेटर्स की, जो कि इस मसले को फिगर आउट करते हैं, और डेवलपमेंट के दौरान ही साथ साथ टेस्टिंग और इंटीग्रेशन हो जाती है उसकी, प्रोडक्शन प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट पे टेस्ट किया जाता है उसको, उस प्रोडक्ट को डेवलपर्स के दौरान ही, ताकि कोई मसला आए तो उसे उसी वक्त सॉल्व किया जाए, ताकि उसकी फाइनल डिप्लॉयमेंट से पहले के वक्त कोई हमारे पास मसला ना आए, उससे पहले पहले सारे मसले सॉल्व हो जाए। तो आगे देख लेते हैं टूल्स जो ये डेवऑप्स यूज़ करते हैं इस सारे प्रोसेस के दरमियान। हम देख लेते हैं जो कि हमारे पास शुरू वाले स्टेप्स हैं प्लानिंग और कोड। उसमें हमारे पास टूल यूज़ होता है गिट। गिट जो कि हमें पता है एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है, और ये एक डिस्ट्रीब्यूट वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है जो करता ही है कि इस पे हमारा जो कोड है इसलिए यूज़ किया जाता है कि ताकि जो हमारे सारे डिवेलपर्स हैं अगर वो रिमोटली भी वर्क कर रहे हैं तो वो कोड का जो लेटेस्ट वर्जन है उस पे वर्क कर रहे हैं, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है गिट। और इसके साथ गिट हब यूज़ किया जाता है जो कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड, वो भी एक हमारे पास रिपॉजिटरी है, वो इस गिट के साथ ही वर्क करती है वर्जन कंट्रोलिंग के लिए। उसमें हमारे पास जो भी लेटेस्ट हमारे पास कोड होता है उधर सेव किया कर दिया जाता है, और उधर से सारे डिवेलपर्स उस लेटेस्ट कोड पर वर्क कर सकते हैं और उसे नए जो सा उसके वर्जन से पुश करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो गिट हमारे प्रीवियस जो हमारे कोड के वर्जन होते हैं उन्हें भी सेव रखता है, ताकि अगर हम किसी भी नए फीचर पे काम कर रहे हैं, अगर हमारे कोड में कोई बग आ गया, कोई सारा कोड हमारा डिस्टर्ब हो गया या ख़राब हो गया, तो हम उसके प्रीवियस वर्जन पे भी जा सकें, उसे दोबारा यूज़ कर सकें। उसके बाद हमारे पास बिल्ड बिल्ड के फेज़ में हमारे पास टूल यूज़ होते हैं मेवन और ग्रेडल, जो कि ये करते हैं कि जो हमारे मुख्तलिफ रिपोजिटरी पे हमारा कोड होता है उन्हें एक इकट्ठा करके एक एप्लीकेशन की सूरत में बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास टेस्टिंग के लिए सिलीनियम और जे यूनिट हमारे पास टूल्स आ जाते हैं, जो कि एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग है जिनके ज़रिए की जाती है। उसके बाद इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास जैकिंग और बाम्बू आ जाते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद डिप्लॉयमेंट के लिए हमारे पपेट, डॉकर और शेफ आ जाते हैं। उनके बाद हमारे पास मॉनिटर मॉनिटर में हमारे पास आ जाते हैं जो कि ऑपरेटर्स जो हैं वो मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हमारे कोई सॉफ्टवेयर में कोई मसला ना आ जाए, अगर कोई मसला आ रहा है तो मॉनिटर करते हैं और उसके लिए स्प्लंक और नागजीस वगैरह को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं डेवऑप्स के प्रोसेस कौन से हैं। डेवऑप्स में हमारे पास ये कंटिन्यूस डिलीवरी एक प्रोसेस है। इसमें हमारे पास जो प्रोसेस हम होते हैं, सबसे पहले प्लानिंग होती है क्या चीज़ हमें डिवेल्प करनी है, बनानी है, उसके बाद उसकी कोडिंग की जाती है, और कोडिंग के बाद उसे बिल्ड किया जाता है, उसे बिल्ड करके उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। अगर टेस्टिंग में कोई इश्यू आए तो उसे फ़ौरन दोबारा डेवलपर के पास, उसके दोबारा प्लानिंग होती है, कोडिंग होती है, बिल्डिंग होती है, बिल्ड किया जाता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कंटिन्यूस डिलीवरी से इसलिए किया जाता है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जो भी मसला आता है उसी वक्त उसे सॉर्ट आउट किया जाता है उसकी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे डिप्लॉयमेंट से पहले। प्रोडक्शन इन्वायरमेंट डिप्लॉयमेंट से पहले उसकी एक इंटीग्रेशन की जाती है प्रोडक्शन लाइक एनवायरमेंट पे,
जो इसमें ऑपरेटर्स का भी रोल होता है, ताकि कोई मसला अगर आ रहा है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में तो उसे उसी वक्त सॉर्ट किया जाए। अगर कोई मसला आता है तो उसे दोबारा भेजा जाता है, और दोबारा ये एक प्रोसेस रिपीट होता है। प्लानिंग होती है, उसके बाद कोडिंग होती है, बिल्डिंग होती है, टेस्टिंग होती है। ये इसमें एक बात ये नोटिस करने के लिए, ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट नहीं होता जिसपे ये इसे इंटीग्रेट करके टेस्ट करते हैं, ये प्रोडक्शन लाइक इन्वायरमेंट होता है। अगर हमारे पास वो पास कर जाए उसकी जो टेस्ट होता है, तो हमारे पास फिर हम उसे एक्चुअल डिप्लॉयमेंट की तरफ आ जाते हैं। जो हमारे पास एक एक्चुअल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है जिसमें हमें डिप्लाई करना आता है, तो ऑपरेटर फिर डेवऑप्स की जो टीम्स होती हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, फिर उसे एक्चुअल इन्वायरमेंट पर डिप्लाई करते हैं। उसके बाद उसे ऑपरेशन हम बनाते हैं। ऑपरेशन बनाने के बाद उसकी मॉनिटरिंग होती है, अगर कोई मसला मसाइल आ रहा है तो उधर से उसे दोबारा डेवलप के पास भेजा जा सकते हैं। लेकिन इसमें आता नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही हमने टेस्ट कर लिया होता है प्रोडक्शन लाइक इन्वायरमेंट पे, साथ साथ इन्वायरमेंट के, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट और कॉन्टीन्यूस जॉनसन इंटीग्रेशन सिस्टम है, तो इसमें मसला मसाइल काम नहीं आता है। बाद डेवऑप्स के एडवांटेजेस हमारे पास आ जाते हैं जी। डेवऑप्स में सबसे मेजर एडवांटेज जो हमें मिलता है वो ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट जो होता है ना, उसे डिलीवरी और प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो टाइम लिया जाता है वो बहुत कम टाइम में हम ये प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, उसमें फीचर नए लॉन्च कर सकते हैं, या प्रोडक्ट की जो सी डेवलपमेंट होती है वो बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाती है। ये सारी कंपनीज हैं जो डेवऑप्स को यूज़ करती हैं। इनमें मेजर कंपनी भी हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स आ गई, गूगल आ गई, सैंडिक्स आ गई, एप्पल, फेसबुक वगैरह, इसमें सारी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, ये सारी कंपनीज डेवऑप्स की टीम्स यूज़ कर रही हैं अपने नए फीचर्स लॉन्च करने के लिए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए और कम टाइम में लॉन्च करने के लिए। इसमें हमारे पास आगे एग्जांपल आ जाती है गूगल की। गूगल जो है, गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है और गूगल डेवऑप्स यूज़ करती है, डेवऑप्स की टीम्स को यूज़ करती है, और डेवऑप्स की टीम्स को यूज़ करके गूगल के बारे में कहा जाता है ये एक दिन में 5200 फीचर्स और नए अपडेट्स लॉन्च कर सकती है एक दिन के अंदर। जैसे कि हम वाटरफॉल मॉडल को देख लें तो उसमें तो एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करने में कुछ मंथ्स और ईयर्स लग जाते थे, और एजाइल में भी कुछ वीक्स और मंथ्स